नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आज के टॉप हेडलाइंस है, न्यूयॉर्क शहर में भीषण हादसा, ब्रोकर्स अपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत। 24 घंटे में 21.89 लाख नए केस, साइप्रस में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन मिला। पेटीएम फोन पे जैसे एप्स यूजर्स हुए परेशान, यूपीआई सर्विस 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रही। एक कार में एक ही फैमिली के 6 लोगों की लाशें मिली, 10 फुटेज में देखे, जश्न कैसे जानलेवा बन गया। ब्राजील में बोटिंग करते समय नाव के पे गिरी हजारों टन की चट्टाने, 7 की मौत, 20 लापता। रेलवे ट्रैक और एनएच के किनारे बनेंगे हेलीपैड, घायलों को एयर एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाने की होगी कोशिश। देश में लगातार 4थे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले, मुंबई में कम टेस्टिंग से 4% घटे केस, दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र में बढ़ना जारी। कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव कर रहा था दारू पार्टी, नायब तहसीलदार पहुंचा तो बोला दोस्तों ने पी है, मैं तो अलग बैठा हूं। 4 जज कोरोना पॉजिटिव, 150 कर्मचारी भी चपेट में, बचाव के लिए 3 जनवरी को स्टार्ट की थी वर्चुअल हियरिंग। बठिंडा के गुरुद्वारे में युवक को पोल से बांधा, मैनेजर की दाढ़ी छूने पर भड़की संगत। बच्चों युवाओं को तेजी से चपेट में ले रहा है कोरोना, 20 से 29 साल के सर्वाधिक 26.3% संक्रमित। लंदन में गूगल की नौकरी पाने वाली संप्रीति परिवार मिलने पहुंची, तेजस्वी बोले बिहार को गर्व है। पटना सहित बिहार के 7 जिलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि, प्रदेश में कोरोना पाके 5022 नए मरीज मिले। कोरोना का कहर, पटना में डॉक्टर समेत 3 की मौत, 2018 नए संक्रमित मिले। भागलपुर नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 4 शाखा प्रभारी निलंबित। SHG से जुड़कर आर्थिक रूप से संबल हो रही है ग्रामीण महिलाएं, दिखावे का रह गया है सरकारी नलकूप। पुलिस पब्लिक में समन्वय स्थापित करना मेरी पहल प्राथमिकता, SP। बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे लोगों को वसूला गया जुर्माना, प्रखंडों में चलाया गया मास्क जांच अभियान। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। नमस्कार।